बाबा अजीत सिंह जी सिखा के दसवें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के चारों पुत्रों में सब तो वड्डे पुत्र सन। आप जी का जन्म 7 जनवरी 1687 ईस्वी अनंतपुर होया। बाबा अजीत सिंह जी बचपन तो ही शास्त्र विद्या ते धनुष बाण चलाना चाहते सी। आप जी ने बड़ी छोटी उम्र में ही गुरु जी नाल युद्ध में हिस्सा लेना शुरू कर दिता सी ते हमेशा अपनी बहादुरी विखाई सी। एक बार की गल है जो गुरु गोबिंद सिंह जी के दरबार में एक ब्राह्मण आया तो उन्हें दसिया कि उसकी पत्नी को पठान जबरदस्ती चुक के ले गए हैं। उस वेले बाबा अजीत सिंह जी ने उस ब्राह्मण को उसकी पत्नी को सही सलामत वापस लियाने का वचन दिता। हुण कुछ सिख सैनिकों के नाल बाबा अजीत सिंह जी ने रात वाले उन्हां पठाना की बस्ती से हमला कर दिता तो उस ब्राह्मण की पत्नी को पठाना के चंगल तो छुड़वा दिता। अगले दिन उन्हां पठाना नू आनंदपुर ले जाया गया ते उन्हां नू सजा दिती गई। कुछ साल बाद आनंदपुर नू सरहिंद ते लाहौर ते मुगल सैनिकां ने घेर लिया। घेराबंदी के दौरान शाही सेना ने दो दूतों नू गुरु जी कोल भेजा ते कहा कि यह कोई मामूली सेना नहीं है, यह औरंगजेब की सेना है। तुसी ज़्यादा तक इन्हां नू विरोध नहीं कर पाओगे। हुण तुसी बादशाह यानी औरंगजेब की गल मान लो ते इस्लाम नू कबूल कर लो। बाबा अजीत सिंह जी उस वेले दरबार विच ही खड़े सी। उन्हां नू गुस्सा आ गया ते उन्हां ने उसे वाले अपनी तलवार कढ़ ली। दूत उत्थों बिना कुछ बोले चले गए पर उन्हां ने आनंदपुर नू चंगी तरह घेर लिया। उस वेले सिखां नू बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पिया सी। जदों घेरा करन वाले थक गए तो उन्होंने गुरु साहिब जी कोल संदेश भेजा कि तुसी इस किले नू खाली कर दिओ, तुहानू कुछ भी नहीं कहा जाएगा, तुसी जिथे जाना चाहते हो उत्थे चले जाओ। गुरु जी ते बाकी सिख सारे जानते सी कि यह सब कुछ झूठ बोल रहे हैं पर गुरु गोबिंद सिंह जी की माता जी ने किला खाली करन दा दबाव पाया ते 20 दिसंबर 1704 ईस्वी नू रात वाले किला खाली भी किया गया। जिस तरह ही किला खाली किया गया उसे वेले मुगल सैनिक अपनी गल्ला तो मुकर गए ते उन्होंने सिखा उत्ते हमला बोल दिता। बाबा अजीत सिंह जी ने कुछ सिखा दे नाल मिल के दुश्मनों नू रोकया जबकि बाकी सारे सरसा नदी नू पार कर रहे सी। जदों सारे ने सरसा नदी नू पार कर लिता ते उन्होंने अपने घोड़े नू भी सरसा नदी विच उतार दिता ते चमकौर वल निकल पाए। गुरु जी दे नाल दोवे वड्डे पुत्र ते 40 सिख सी। मुगल सैनिक उन्हां दा पिछा कर रहे सी। हुण जिस जगह ते गुरु जी रुके सी उस जगह नू मुगलों ने फिर घेर लिया ते उन्हां उत्ते हमला कर दिता। हुण 5 सिख बड़ी बहादुरी दे नाल उन्हां नू रोकण दी कोशिश करन लगे पर जदों तक वह रोक पाए उस तो बाद उन्हां नू मार दिता गया। फिर इस तरह 5 सिखां दा जत्था होर अगे गदिया। कुछ समय तो बाद बाबा अजीत सिंह जी ने दुश्मनों नाल मुकाबला करन दी अनुमति मंगी। उन्होंने अपने पिता यानी गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा, गुरु पिता मेरा नाम अजीत है, मेरे तो कोई भी जीत नहीं सकता, जे कोई जीत भी गया ना तो मैं रन तो ना तो दौड़ांगा तो ना ही जिंदा वापस आवांगा। उस वेले आप जी की उम्र सिर्फ 18 साल की सी। गुरु जी ने यह भी जानते सी कि अगे की होने वाला है पर उन्होंने आखिरी वाली अपने पुत्र नू गले लगाया तो युद्ध विच भेज दिता। हुण बाबा अजीत सिंह जी ने 5 सिखां दे नाल किले तो बाहर निकले। सारे तो पहले उन्होंने दुश्मनों ते वाणा की वर्षा की। जो वाण खत्म हो गए तो उन्होंने अपने बाले दे नाल दुश्मनों ते हमला किया। वो घायल हो चुके सी पर तद भी लड़ते रहे। बाबा अजीत सिंह जी ने अपना बाला जो मुगल सैनिकों नू मारिया उस वेले एक सैनिक ने स्टील का कवच पाया होया सी ते उस कवच विच बाला फस गया। बाबा अजीत सिंह जी ने उस बाले नू कढ़न की बड़ी कोशिश की पर वह बाले के दो टुकड़े हो गए। हुण उन्होंने तलवार दे नाल हमला करना शुरू कर दिता पर हुण वह डिग पए तो शहीद हो गए। हुण गुरु गोबिंद सिंह जी हवेली की छत सब कुछ वेख रहे सी पर वह अपने पुत्र की बहादुरी वेख के भी खुश सी पर परमात्मा का धन्यवाद कर रहे थे कि उन्होंने पुत्र ने साधु संतां वाली मौत पाई है। तुहानू यह जानकारी किस तरह लगी है कमेंट करके जरूर दसो। जो चंगी लगी है तो इस वीडियो में ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करो ताकि होर लोग भी जान सकन कि बाबा अजीत सिंह जी किवें शहीद हुए सी।